और आपका सब सामान कहाँ है? क्या है, दुनिया लूट गया बाबा। ये तो मेरा हर रोज़ का है। मैं जब कैमरा पकड़ता हूँ मेरा कोई आइडिया नहीं होता है कि मैं क्या बनाऊँ क्या नहीं बनाऊँ, बट दैट्स कॉल्ड रियल रियल कंटेंट। बट हाँ, कुछ निकल के ज़रूर आ जाता है। तो आज अगर छोटे शब्दों या छोटे शब्दों नहीं शॉर्ट करके कहानी बताऊँ तो आज मैं सुबह निकला था एक काम से, गया था एक मेट्रो स्टेशन। सारा वीडियो इसके चैनल पर मिल जाएगा। हाँ, सारा वीडियो इसके चैनल पर मिल जाएगा। इसका वीडियो यहीं पर ख़त्म हो रहा है और मेरा स्टार्ट हो रहा है। तो वो काम लिपटा के खाना वाना खा के अभी थोड़ा आए हैं विक्टोरिया साइड में। अतुल याद है? हाँ, आए थे एक दिन आप यहाँ बैठे हुए। हाँ, तो अभी क्या करे बाबा, भोग रहे हैं। कैसे हुआ अभी, पैर कैसा है? अभी थोड़ा चल रहा बाबा। अच्छा, पेंट दिया है किसी ने? हाँ। अच्छा, एटो बाबू लिया। क्या हुआ? एटो बाबू लिया के दिया बोला पहना। अच्छा अच्छा, तो अभी वहाँ पे बैठते हो? अभी वहीं रहते? हाँ, ये रहते हैं बाबा। अच्छा अच्छा, और आपका सब सामान कहाँ है? क्या है, दुनिया लूट गया बाबा। वही तो रोल का गाड़ी सब औकारी करता थे, खाते थे, सब लूट गया। उनका गाड़ी था क्या वो? हाँ, वही हमारा गाड़ी है बाबा। ओ अच्छा, गवर्नमेंट दिया हुआ ममता बनर्जी, सब बेकारी। आपको आपसे कोई मतलब बुरा ले जाते या फिर क्या होता है? क्या करे बाबा, सब मजबूरी। और आप जो पिटागर जाने वाले थे? पिटागर में जूठो घर है, सब है, तकदीर हो इससे पूछिए, कोई किसी का काम का नहीं। आप जाओगे तो क्या करने? क्या सोचा आप? क्या जाए, आपने बोला, आपने बोला वो जो दोस्त के रिश्तेदार बाबा सब है, कोई दिखने वाला नहीं। अच्छा, तो घर में अकेला क्या करे बाबा बोलो। अच्छा अच्छा, पिटागर बीटी रोड पेपर मिल का जो रिंग लेन जाता ना, आंध्रा विद्यालय है। हाँ, उसी के अंदर में दुटो घर है, किंतु करे क्या बाबा, सब करके भी तो पछताना। जिंदगी तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था जो आज जो अभी हुआ। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बताना है। मैं एक जगह देखता हूँ और फिर बात करता हूँ आपसे। एक ही दीजिए। नहीं खा मेरा? नहीं, मैं एक ही खाऊंगा। हाँ, तो फिर मतलब मैं भी एक खाऊंगा। तुम्हारा एक। हाँ, मेरा नहीं। और तो फिर बोलते मैं एक ही खाऊंगा। देखो भैया सटकल है का, दिन में पिए हुए है का, बताइए। मेरा शकल देख के क्या लगता है? बहुत सीरियस इंसान हूँ। गलत हो? क्या हूँ मैं? फनी हूँ, फनी। समझ गए? अभी देख लो भाई, अब उन बंदर है, बंदर समझ गया, बंदर की तरह चढ़े भाई। टैलेंट देखो, इसको ऐसे पकड़ेंगे। हाँ, ऐसे पकड़ने के बाद वैसे कल लेग डे करके आया था, पैर में इतना दर्द है ना, अभी दम नहीं है, वरना बेस्ट केस कर दे। ओह माय गॉड।
ओके 6 बजने को है और अभी हम लोग निकले हैं मैदान से और जा रहे हैं विक्टोरिया की तरफ। एक बात बोलो, हम दोनों अगर निकले ना तो वी डोंट नीड कंटेंट ब्रो, हम लोग कंटेंट नहीं चाहिए, नहीं वी आर द कंटेंट, वी आर द कंटेंट। तो अब पहुंच गए हम दोनों घर, मतलब वो भी आया था यहाँ पे, कुछ काम था उसका, लाइक फाइल्स वगैरह लेने थे। तो अभी बज रहे हैं 10 और ज़्यादा कुछ है नहीं करने को, बट आपने जो अपराव को देखा उस टाइम, मैंने बहुत सारी चीज़ें बताई आपको जो मैंने उस टाइम शूट किया था, जो कि ना मैं अभी डाल रहा हूँ, तो वो पहले देख लो फिर मिलते हैं। कम ऑन। तो भाई एक काइंड ऑफ सीरियस टॉक, जिन लोगों को नहीं पता है, वो जो अंकल दिखे आपको उनका नाम है अप्पाराव, और डिटेल्स में नहीं बताऊंगा, यहाँ पे आई बटन है, तो पूरा वीडियो उनके ऊपर डेडिकेटेड है, जाके देख लो। तो सीन ऐसा था, आई वेंट आउट टू हेल्प समवन, मतलब मेरे को अंदर से आता है कि किसी को मदद करना चाहिए जो नीडी है, जिसको ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। और तनफे से अभी कैमरा मेरे को लग रहा है बहुत हिला रहा है, सॉरी सॉरी। तो जो भी हो ठीक से पकड़ो, ठीक से पकड़ो। तो मैंने उस दिन उनको कपड़े दिए थे, एक कमीज़, एक ट्राउज़र, और उसके साथ मैंने दिया था खाने का कुछ चीज़ें वगैरह दिए थे उस दिन और नेक्स्ट डे के लिए। तो अभी जब आया ना, आई वॉज अनएक्सपेक्टेड कि इनको मिलूँगा, बट ही हैज़ नाउ नथिंग, मतलब मैंने जो कपड़े दिए थे वो तो है ही नहीं, बस एक जीन्स पहना हुआ है और 2-3 कपड़े हैं जो मैंने नहीं दिया है। और उनके पास ना बहुत सारे सामान थे, बहुत सारे कंबल थे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें थी, बट दे आर गॉन। अब मैं जब पूछ रहा हूँ ना कि क्या हुआ, नहीं बता रहे, बोल रहे कि सब तकदीर, सब तकदीर, यू शुड स्पीक अप। उन्होंने बताया था कि वो टीटागढ़ में जाएंगे इस टाइम पे, एग्जैक्टली दिस टाइम पे। तो मैंने पूछा उसको, आपने देखा, ही इज़ नॉट एबल टू आंसर, सब बोल रहे तकदीर तकदीर। तो ये जब देखते हो ना, लाइक व्हेन यू आर हेल्पिंग समवन और वो उस चीज़ को कदर नहीं करता, पता नहीं, देखो एक बात हो सकता है कि ही इज़ नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू दैट थिंग, सेकेंड हो सकता है कि उनके साथ कुछ गलत हो रहा है जो हम लोगों को दिखाई नहीं देता, क्योंकि गरीब है। अब उनसे कोई चुरा ले जाए तो वो तो कुछ कर नहीं पाएंगे, पैर भी टूटा हुआ है। तो दिस अ काइंड ऑफ थिंग जो हेल्प करने के बाद ना ख़राब लगता है, सही में बोल रहा हूँ, बहुत ख़राब लग रहा है मेरे को, और क्या करे यार। बट यू शुड ऑलवेज हेल्प समवन डिस्पाइट कि वो ये सोच तुम्हारे में आएगा, बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, ये सोच तुम में आएगा, दैट इज़ कि जो मैं हेल्प कर रहा हूँ वो क्या काम पर लग रहा है, अगर नहीं लगा तो, या फिर यहाँ पर अगर कोई रैकेट चल रहा है तो, होता है ना, इतना मत सोचो, मेरे थाट्स अभी आ रहे हैं, चील मारते उसको, बट दिस शुड नॉट बी इट। नेक्स्ट टाइम अगर किसी को मैं हेल्प करने जाऊं तो ये सवाल मेरे को फिर से क्या कहते हैं उसको हिंदी में पता नहीं, पिंच करेंगे मेरे को शायद, कि शुड आई डू इट, और अगर करूं तो कैसे करूं। तो भाई अभी घर जाओगे? हाँ भाई अभी घर जाने। तो भाई अभी घर जाएगा और अभी रात के 10 बज रहे हैं, अभी कैसे जाएगा मेरे को नहीं पता है, मेरे को भी नहीं पता। और आज मेरा बर्थडे भी है, 2 घंटे के बाद इसका बर्थडे है, पता नहीं आप ये वीडियो कब देखोगे, आप थोड़ी देर इंस्टाग्राम पे आके विश कर देना। तो बस फिल्म मेकिंग लाइन में होना तो एनर्जी बहुत चाहिए होता है, बहुत यार, एकदम डोप वाली। अभी इतना थक के आए ना, फिर बहुत थका हुआ भाई के अंदर एनर्जी देखो। हाँ वही, अगर यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो, बिकॉज ऑफ एनी रीज़न इन द वीडियो। और इसका मतलब ये नहीं है कि तुम किसी को हेल्प नहीं करोगे, समवन माइट रियली बी नीडिंग योर हेल्प, तो उसको हेल्प करना, मत सोचना कि क्या होने वाला है कल उसके साथ, डोंट थिंक अबाउट इट, नहीं तो कभी भी किसी का हेल्प नहीं कर पाओगे। तो बस यही है, और सब्सक्राइब नहीं किया है तनफेस को, तनफेस में जाके सब्सक्राइब करो। अब लग रहा है कि मेरे हर वीडियो में नीचे तनफेस का लिंक दिया जाएगा। मेरा भी मेरा ऐसा लग रहा है मेरे को। टिल द टाइम आई अपलोड माय नेक्स्ट वीडियो, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड एंड कीप वॉचिंग।
दिस ब्यूटीफुल चैनल अनरैप जिंदगी. बस जिंदगी को अनरैप करते जाओ, मजा करो. अल्लाह हाफिज़. सब बढ़िया.